कराची के डॉक्टर्स ने फिर हड़ताल कर दी। जिन्ना, सिविल, कार्डियो समेत दीगर जनरल अस्पतालों में मरीज परेशान, अस्पतालों में ओपीडीज बंद। यंग डॉक्टर्स ने सर्जरीज करने से भी मना कर दिया। कहते हैं कि सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन जारी करने तक एहतजाज करेंगे। यंग डॉक्टर्स का तनख्वाहों और अलाउंस को दीगर सूबों के मुसावी करने का मुतालबा। लाड़काना में नामालूम अफराद की रिक्शे पर फायरिंग, दो अफराद मौके पर जां बहक, एक शदीद जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक बाजोड़ से है, पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। लापता अफराद को फौरी बाजियाब कराया जाए, लापता शहरियों की जान को खतरा है, बाजियाबी के फौरी इकदामात करें। सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को 23 मार्च को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। NRO लेने के लिए कुछ लोग बेताब हैं। हुकूमत नवाज शरीफ के दिल का इलाज कराएगी, दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान ने वाजह कर दिया कि हम दहशतगर्द नहीं, अपने मेहमानों की इज्जत करते हैं। PTI की हुकूमत में पाकिस्तान का नया चेहरा दिखाई देगा। चालीस बंदे लाइन में लगे हुए हैं, सब जेल जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी। मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान 7 साल बाद थल एक्सप्रेस बहाल, पहले रोज मुसाफिरों को मुफ्त सफर के मजे।